दोस्तों ये है इक्वाडोर कंट्री के पास बने छोटे छोटे आइलैंड्स, और इन छोटे छोटे आइलैंड्स में से एक आइलैंड ऐसा है जो अपने आप को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुका है, यानी कि एक ऐसा रहस्यमय हिंदू आइलैंड जिसका अपना खुद का संविधान है, अपना राष्ट्रीय ध्वज है, अपना संस्कृत राष्ट्रीय गीत है, अपना रिजर्व बैंक है, अपना राष्ट्रीय पशु नंदी है और अपने डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन सर्विसेज और कुछ विशेष प्रकार के डिपार्टमेंट्स जैसे डिपार्टमेंट्स ऑफ इनलाइटेंड सिविलाइजेशन, जो सनातन धर्म की हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति को दोबारा से जीवित करने के लिए बनाए गए हैं। पर दोस्तों केवल इतना ही नहीं, अब तो इस आइलैंड को दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है, क्योंकि 24 फरवरी 2023 को यूनाइटेड नेशन की जिनेवा मीटिंग के दौरान जब कई देशों को अपनी बात दुनिया के सामने रखने के लिए बुलाया गया, तो तब इस हिंदू आइलैंड की तरफ से कुछ महिलाएं भगवा साड़ी, रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाकर यूएन की इस जिनेवा मीटिंग में शामिल हुई। और इन हिंदू महिलाओं में से एक महिला जिसका नाम था माँ विजय प्रिया नित्यानंदा, जो अपने आप को इस हिंदू आइलैंड की परमानेंट एम्बेसडर बताती है, और इनके हिंदू आइलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार विजय प्रिया ने यूएन की इस मीटिंग में अपने हिंदू आइलैंड को अमेरिका से बायलैटरल एग्रीमेंट से रिकॉग्नाइज करवा लिया है, जिससे साबित होता है कि इनका ये हिंदू आइलैंड अब अमेरिका ने एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद भारत में कई न्यूज वेबसाइट पर यह सवाल उठने लगे कि क्या सच में इस रहस्यमय आइलैंड को हिंदू राष्ट्र के रूप में अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस आइलैंड का नाम क्या है और ये किसने बनवाया है। तो दोस्तों इस रहस्यमय आइलैंड का नाम कैलासा है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा भी है। इसको भारत से भागे हुए नित्यानंद ने बनवाया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये नित्यानंद कौन है जिसने अपना खुद का हिंदू देश बना लिया। तो नित्यानंद को दुनिया भर में एक हिंदू धर्म गुरु के रूप में जाना जाता है। वैसे नित्यानंद अपने आप को एक भगवान के रूप में दिखाता है। 2018 से पहले तक नित्यानंद भारत में ही रहता था और यहाँ पर कई आश्रम चलाया करता था। पर दोस्तों 2010 में पहली बार नित्यानंद की कुछ वीडियो वायरल हुई, जिसमें नित्यानंद एक फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज करता देखा गया। वैसे दोस्तों इसके बाद नित्यानंद और उसके आश्रम द्वारा ऐसे कई बयान आए कि वीडियो में देखा जाने वाला इंसान नित्यानंद नहीं है, लेकिन इसके बाद से नित्यानंद पर आरोप लगते गए। साल 2012 में भी एक अमेरिकन नागरिक ने नित्यानंद पर 5 साल तक उसे अपने आश्रम में बंद रखकर उसके साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया। और फिर 2019 में तमिलनाडु के एक परिवार ने नित्यानंद पर अपने 4 बच्चों को इनलीगल तरीके से उसके आश्रम में छुपाकर रखने का आरोप लगाया गया। इन्हीं आरोपों के दौरान जब ये तय हो गया कि अब सरकार के द्वारा नित्यानंद को जेल भेज दिया जाएगा, तो दोस्तों उससे कुछ समय पहले ही नित्यानंद भारत छोड़कर भाग गया, जिसके बाद लंबे समय तक नित्यानंद के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस दौरान लगातार नित्यानंद अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव था और यूट्यूब और फेसबुक पर अपनी धार्मिक वीडियोज को पोस्ट करता था। इसी दौरान इंटरनेट पर एक वेबसाइट पब्लिक की गई, जिसे कैलाश की ऑफिशियल वेबसाइट कहा गया। इस वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि कैलाश दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र है जिसकी सीमा हिंदुओं के लिए हमेशा खुली है। इसके अलावा इस वेबसाइट की माने तो कैलाश की 3 नेशनल लैंग्वेज है, जिनमें इंग्लिश, संस्कृत, तमिल है, और इस देश का राष्ट्रीय जानवर भगवान शिव का वाहन नंदी को बनाया गया है। और दोस्तों इस देश का राष्ट्रीय गीत बहुत ही डिटेल के साथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो आप इनकी वेबसाइट पर जाके भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा इस वेबसाइट पर इस देश का झंडा, करेंसी और यहाँ तक कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में भी काफी डिटेल में लिखा गया है। पर दोस्तों यहाँ पर अब ये सवाल उठता है कि क्या सच में इस हिंदू देश को अमेरिका से रिकॉग्नाइज मिल गया है और क्या यूएन में भी इस देश को हिस्सेदारी दी गई है। तो सवाल का जवाब है नहीं। अभी तक यूएन 193 कंट्री को ही रिकॉग्नाइज करता है, जिनमें कैलाश शामिल नहीं है। 24 फरवरी 2023 को जब यूएन में प्रिय नित्यानंद ने बयान दिया, तो यह यूएन की कोई काउंटी मीटिंग नहीं थी, बल्कि यूएन में यह मीटिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पर हो रही थी। हालांकि दोस्तों जब यह मुद्दा इतना फैल गया कि लोग यूएन पर ही सवाल उठाने लगे, तो यूएन ने जवाब में कहा कि इस मीटिंग में प्रिय नित्यानंदा को केवल एक आम अमेरिकी नागरिक के तौर पर बुलाया गया था। वे केवल धार्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के मुद्दों पर कई लोगों की तरह यूएन में अपनी बात रखने आई थी। पर यहाँ पर प्रिया नित्यानंद ने भारत सरकार पर भी कई आरोप लगाए, जिसमें उनका कहना था कि भारत ने उनके गुरु को भारत से भगाया है और उन पर कई आरोप लगाए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रिया नित्यानंद ने अपने देश कैलासा के बारे में भी काफी कुछ बताते हुए कहा कि ये देश पूरी तरह से प्राचीन
प्राचीन हिंदू धार्मिक संस्कृति को फॉलो करता है। वैसे नित्यानंद और उसके फॉलोअर्स कुछ भी कहे, लेकिन यह देश अभी किसी भी दूसरे देश द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इससे पहले भी नित्यानंद ने कई बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा को यूएन द्वारा रिकॉग्नाइज कंट्री बताया है और नित्यानंद इसको ट्वीट के माध्यम से बार बार पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन दोस्तों यूएन भी बार बार इससे इनकार कर देता है और यहाँ तक कि इस यूएन की मीटिंग के दौरान नित्यानंद ने ट्वीट किया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उनके साथ एग्रीमेंट पर साइन किया है जिसमें लिखा था कि वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा को रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सब नित्यानंद अपनी पब्लिसिटी के लिए करता है, यानी कि ऑफिशियल कैलासा कोई देश नहीं है बल्कि यह नित्यानंद का एक प्राइवेट हिंदू आइलैंड है जिसे वह अपनी मर्जी से चलाता है। पर दोस्तों अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस नित्यानंद पर भारत में इतने कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसे अभी तक भारत वापस क्यों नहीं लाया गया, जबकि आज के समय में हमें पता है कि नित्यानंद कहां पर मौजूद है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा कारण है कि नित्यानंद अभी साउथ अमेरिका के जिस इक्वाडोर देश के प्राइवेट आइलैंड में रह रहा है जिसे वह अपना देश कैलासा कह रहा है, इनके इस आइलैंड को सुरक्षा खुद इक्वाडोर की सरकार और आर्मी से मिली हुई है। यानी जब तक ये देश नहीं चाहेगा तब तक भारत नित्यानंद के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। और परेशानी यहां पर यह है कि भारत के इक्वाडोर के साथ इतने अच्छे रिश्ते भी नहीं है, इसलिए जब तक हम इक्वाडोर की सरकार को नित्यानंद को भारत वापस भेजने के लिए राजी नहीं कर लेते तब तक हम नित्यानंद का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ना ही उसके देश कैलासा का, चाहे वह भारत के खिलाफ कुछ भी बोले। वैसे दोस्तों आपका इस कैलासा देश के बारे में क्या सोचना है? वैसे मेरा मानना तो यही है कि नित्यानंद ने इस प्राइवेट आइलैंड पर जाकर इस देश का निर्माण इसलिए किया ताकि वह भारत की कानून कार्रवाई से बच सके। वैसे मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।